गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन के अंदर। आज हम पढ़ेंगे एनजीपी। एनजीपी मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एनजीपी मीन्स नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेटिंग। इट मीन्स कई बार केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऐसा होता है कि जो आप स्टार्टिंग मटेरियल यूज में लेते हैं उसके अंदर ही कई ऐसे ग्रुप या तो हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं, या फिर कोई एटम हो सकता है, या फिर कोई अदर सब स्टिट्यूएंट हो सकता है, जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? वो इंटरनली रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है और आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट वो अपने इनिशियल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास पहला पॉइंट है कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में जो पॉइंट है इन एलिमिनेशन केमिस्ट्री, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अंदर भी एलिमिनेशन होता है, लोन पेयर कंटेनिंग एटम हो सकता है, या फिर कोई ग्रुप हो सकता है, या फिर कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई रिंग हो सकती है, लाइक पीएच रिंग भी हो सकती है, आपके पास फिनाइल रिंग भी हो सकती है। अगर ये सब है तो वो नियर द सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जिसके ऊपर कोई गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक गुड लिविंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है जिसे एलिमिनेट होना है ना, तो वो क्या करता है, इंक्रीज द रिएक्शन रेट। इट मींस सब इंस्टीट्यूटेड कार्बन के पास वाले कार्बन पे कोई अगर या कार्बन पे कोई अगर लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, ग्रुप है, या डबल बॉन्ड है, या कोई पीएच रिंग है, तो वो उसकी रिएक्शन रेट को इंक्रीज करता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है इसके अंदर, हाईलाइट कीजिएगा बच्चों इसको, कि इन एनजीपी रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इन द प्रोडक्ट, मीन्स जो आपके स्टार्टिंग मटेरियल की में स्टीरियो केमिस्ट्री रहती है सब स्टीट्यूएंट की, लाइक इस पी बी आर की जो स्टीरियो केमिस्ट्री अब दस फेस है, तो आफ्टर द एनजीपी रिएक्शन आपके पास प्रोडक्ट में भी आपके पास जो एडिशन होगा वो अब फेस के अंदर ही होगा। मैं उसको समझाऊंगा। लाइक आपके पास ये स्टेटमेंट था रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वही स्टीरियो केमिस्ट्री आपके प्रोडक्ट में बरकरार रहेगी, कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। अब मेरे पास एक स्टार्टिंग मटेरियल ये दे रखा है आपके पास, एक ये एमीन CH3, इसके लेफ्ट साइड में एक चैन है, राइट साइड में जो चैन है उसके पास Br जुड़ा हुआ है, वो भी कहां पर है, अब फेस में वेज लाइन पे। मुझे OH से इसकी रिएक्शन के बारे में न्यूक्लियोफाइल हमने क्या लिया है, हाइड्रोक्साइड। तो जनरल कंडीशन में देखने पे क्या करेंगे हम, हाइड्रोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल है, Br अब फेस में, तो हाइड्रोक्साइड को डॉटेड से अटैक करवा दीजिए। तो मैंने ये हाइड्रोक्साइड को डॉटेड से अटैक करवा दिया, ये लोन ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो यहां अटैक करेंगे, ये आपका बाहर निकल गया, और मुझे जो डॉटेड अब क्या मिलेगा, ये डॉटेड के ऊपर आप मुझे प्रोडक्ट मिलेगा OH, बट ये SN2 रिएक्शन के थ्रू मुझे प्रोडक्ट मिला, ठीक है, एक्सपेक्टेड मेरा प्रोडक्ट था, बट ओवरऑल ये प्रोडक्ट आपका एग्जाम के अंदर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया वो देखते हैं, वो इसके अंदर अब लगेगा एनजीपी। जिस कार्बन पे आप बात कर रहे हो, जिस कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन है जिसे मैंने हाईलाइट किया ग्रीन से, उसके नेबरिंग पोजिशन पे देखो कार्बन और फिर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटम्स क्या रहते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स रहते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं इसे अब रब कर देता हूं, जो SN2 का जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनाया इसे मैं रब कर देता हूं। अब एनजीपी की बात करते हैं, अब मेरे पास हो गया एनजीपी रिएक्शन कैसे होगी, तो मैं एनजीपी हाईलाइट करता हूं, दिस वन एरो इज एनजीपी। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑन द प्लेन है, कार्बन इसके ऑन द प्लेन है, तो ये क्या करेगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके अटैक करेंगे जस्ट प्लेन के अंदर इस पोजीशन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, और ये आपका चला जाएगा Br बाहर। तो मेरे पास क्या मिलेगा, 3 मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगा। तो वो 3 मेंबर रिंग किस टाइप से होगी, इस टाइप से रहेगी, मैं आपको 3 मेंबर रिंग ड्रॉ करके बताता हूं। 3 मेंबर रिंग मुझे ड्रॉ करना, तो ये आपको 3 मेंबर रिंग आपके पास ड्रॉ हो गई जिसे मैंने डॉटेड लाइन से क्रिएट किया है, और यहां पर आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज देखने को किस पे, नाइट्रोजन के ऊपर। तो 3 मेंबर रिंग होगी एनजीपी का, क्या हुआ नाइट्रोजन के लोन पेयर ने 1 और 2 नंबर कार्बन पे अटैक किया, 2 नंबर पे जो Br ग्रुप अटैच था वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो ये मिल गया मेरे पास 1, 2 और नाइट्रोजन को नाम देते 3, तो 3 मेंबर रिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपका OH न्यूक्लियोफाइल है, OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है,
वो अब फिर से ही आएगा। अगर अब फिर से एलिमिनेट हुआ है तो वो कहां पे अटैच करेगा, अब फिर से अटैच करेगा, तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं इससे, दिस इज चॉकलेटी कलर से समझ लो, और इसमें अटैच किया अब फिर से, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ आपके पास नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन का प्लस चार्ज गया डिमिनिश्ड। तो अब मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा बीआर की जगह क्या मिलेगा फ्रेंड्स, बीआर की जगह स्टूडेंट्स मिलेगा ओएच। तो ये क्या रहा स्टीरियो केमिस्ट्री, इसकी रिटेंशन रही, यानी कि प्रोडक्ट में भी वन एंड टू नंबर कार्बन टू बीआर वेज लाइन पे था, सॉरी स्टार्टिंग मटेरियल में टू नंबर पे वेज लाइन के ऊपर बीआर था, और प्रोडक्ट में भी ये क्या बन गया मेरा प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में भी आपका जो ओएच है न्यूक्लियोफाइल वो वेज के ऊपर है, तो इसे कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ये तो एनजीपी के थ्रू ये आपका करेक्ट आंसर ये रहेगा। तो एग्जाम में जो कई बच्चे इसे क्लिक करते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है, कंसेप्ट आप तो अपने हिसाब से सही लगाते हैं, बट वहां पे एक सेकंड कंसेप्ट भी रहता है नाइट्रोजन के लोन पे, जो एनजीपी यानी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन रेट को इंक्रीज करेंगे, और आपके पास रियल प्रोडक्ट मिलेगा सेकंड नंबर कार्बन पे ओएच की जो पोजिशन होगी वो वेज लाइन के ऊपर होगी। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें डबल बॉन्ड हमारे पास रहेगा, या तो डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं या बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन के अंदर रहता है, ये मेरे पास बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है दिस दिस दिस, तो ये जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड वो पार्टिसिपेट करते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया स्टार्टिंग मटेरियल, ये मुझे नाम देता है दिस इज वन नंबर दिस इज टू नंबर, ओके, एंड ये बेंजीन रिंग पूरे को मैं नाम देता हूं थ्री नंबर, जो ये पोजिशन होगी वो थ्री नंबर, ठीक है। अब आपने इसकी रिएक्शन करवाई है एल्किल एमीन से, तो एमीन को डायरेक्टली SN2 रिएक्शन का पहले आपको नहीं बताना है, पहले क्या करना है यहाँ पे मुझे शो करना है एनजीपी, क्यों, क्योंकि पीएच के अंदर डबल बॉन्ड होते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, तो ये क्या करेगा अपने डबल बॉन्ड को कहां पे अटैक करवाएगा, यहां पे डॉटेड से अटैक करवाएगा, तो बीआर आपका चला जाएगा बाहर। तो अब जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, अब मेरे पास एक जो रिंग बनेगी वो थ्री मेंबर रिंग बनेगी बेंजीन के साथ, मैं उसे ड्रो करता हूं, दिस इज पीएच, ओके, ये आपके डॉटेड लाइन, ये यानी कि बिलो द प्लेन ही रहेगा पीएच, तो बिलो द प्लेन, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और बीआर आपका एलिमिनेट हो चुका है, तो बीआर को एलिमिनेट बताइए यहाँ पे, ठीक है। ये थ्री मेंबर रिंग बन गई आपके पास, अब आपको क्या करवाना है, रिएक्शन इसकी करवानी है आर एन एच टू से, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, अब देखिए फिनाइल रिंग आपके बिलो द प्लेन है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां से होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक आपके पास रहेगा अबाउ द प्लेन यानी कि वेज लाइन से होगा, तो ये आप इस पे अटैक करवाइए, ये जो एक बॉन्ड है फिनाइल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिनाइल का जो पॉजिटिव चार्ज है डिमिनिश्ड हो जाएगा, तो अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ये तो फिनाइल आ गया, और ये जो बीआर की जगह आपको क्या लिखना है, बीआर की जगह यहां पे लिखना है NH2 एंड दिस इज आर, और यहां पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, तो जो एक हाइड्रोजन है इसको मैं एक हाइड्रोजन को सेपरेट लिखता हूं, ये जो मेरा एक हाइड्रोजन रहा, इस एक हाइड्रोजन को कोई भी कॉन्जुगेटेड बेस जो रहेगा आपका कॉन्जुगेटेड, सॉरी दूर चला गया, जस्ट वन मिनट, यस पहले तो मैं इसे हटाता हूं बीआर को, ठीक है, मेरे सॉल्यूशन के अंदर बीआर माइनस है, जो मेरा यहां से एलिमिनेट हुआ था बीआर, जो यहां पे एलिमिनेट हुआ ना बीआर माइनस, ये कॉन्जुगेटेड बेस एच को एक्सेप्ट करेगा, तो आपके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट किया, नाइट्रोजन के ऊपर जो प्लस चार्ज था वो डिमिनिश्ड हो जाएगा, और आपके पास अब प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन, आपको यहां पे क्या लिखना है एन, एक आपके पास आर अटैच्ड, एक आपके पास एच, ये बन गया मेरे पास प्रोडक्ट, ये भी आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगुरेशन, ओके। देखिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन क्यों बोला, कि स्टार्टिंग मटेरियल के अंदर वेज लाइन के ऊपर क्या था मेरे पास बीआर था वेज लाइन के ऊपर, और प्रोडक्ट में भी आपके पास वेज लाइन पे क्या है एन एच आर जो न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए मैंने रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोला। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म बता दिया, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको जल्दी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। देखिए चलिए हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, ठीक है ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैंने अभी आपको बता दिया सेकंड वन इज दिस, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, ये आपके पास
सब इंस्टीट्यूटेड जिसके ऊपर ये गुड लिविंग ग्रुप आयोडीन है और इसके नेबरिंग के ऊपर पीएच ऑफ फेस है, तो नेबरिंग ये एनजीपी कैसे होगा, एनजीपी ऑफ फेस से होगा और ये बीआरआई यानी कि आपका गेट एलिमिनेट, तो ये बन गया अब फेस के अंदर यानी कि वेज लाइन के ऊपर पीएच प्लस। अब जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से आएगा, डॉटेड से आएगा, तो ये डॉटेड से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ये आपका प्लस चार्ज पीएच के ऊपर डिमिश्ड और मेरा प्रोडक्ट आपके पास देखने को मिलेगा, जिसमें प्रोडक्ट में क्या हुआ जो ओएच है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का डॉटेड पे यानी कि रिटेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिला एनजीपी के थ्रू हुआ। ये भी सेकंड वैलेंस क्या था मेरे पास, दिस वन है ये। अब देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वन नंबर कार्बन टू नंबर कार्बन, वन के ऊपर भी पीएच क्या है अब फेस में, टू के ऊपर भी आई क्या है अब फेस में है। अब पीएच जो है मतलब एलिमिनेशन के लिए अटैक करने के लिए ये एंटी पेरी प्लानर होने चाहिए, पीएच और आई अपोजिट फेस में होने चाहिए, यानी कि अगर एक नंबर पे पीएच अब फेस में है तो दो नंबर पे आयोडीन डॉटेड पे होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। तो अभी क्या होगा आपको इस कंडीशन में, आपको कार्बन कार्बन आपके पास कह सकते हो कार्बन 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 रोटेशन आपके पास परफॉर्म होगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन आप जब आप रोटेशन परफॉर्म करोगे तो उस कंडीशन में ये सिंगल बॉन्ड रोटेशन दोगे, तो मैं इसको समथिंग थोड़ा सा यहां पे लेता हूं और आपको बता देता हूं कि प्रोडक्ट कैसे बना, एनजीपी के थ्रू कैसे बना, ठीक है। मैंने एक कार्बन कार्बन रोटेशन परफॉर्म किया, दिस वन मेरा अब फेस में था ये दिस। अब जैसे मैंने कार्बन कार्बन रोटेशन दिया कितने का 180 का, तो जो आयोडीन अभी आपका अप साइड में दिख रहा है वो डाउन साइड में यहां पे दिखेगा, ठीक है। आयोडीन मिथाइल ग्रुप जिसको मैं नाम देता हूं CH3, तो ये CH3 यहां पे आ गया और जो आयोडीन आपका अप फेस में है वो क्या चला जाएगा डॉटेड के ऊपर, ठीक है। अब आपका एनजीपी हो सकता है जो पीएच है उसके डबल बॉन्ड यहां पे अटैक करेंगे, ये गया आपका बाहर, तो मेरे पास क्या बना समथिंग इस टाइप से पीएच अब फेस में बना मेरे पास दिस वन, ओके यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा आपके पास, न्यूक्लियोफाइल जो भी दे रखा है न्यूक्लियोफाइल चाहे आपका ओएच माइनस दे रखा होगा, तो ओएच माइनस कहां पे अटैक करेगा यहां पे अटैक करेगा और ये आपका पीएच ऊपर किया जाएगा और प्रोडक्ट मुझे मिलेगा डॉटेड के ऊपर, ठीक है डॉटेड, क्योंकि नीचे वाले फेस से अटैक करेगा, तो ये मिल जाएगा मुझे दिस समथिंग इस तरह से डॉटेड के ऊपर, आप बना लो डॉटेड के ऊपर ओएच माइनस और अप के ऊपर पीएच। बट देखो कि आपको मैं यहां पे बता दूं कि कार्बन कार्बन रोटेशन के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, सब एनर्जी नीडेड एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, बट तो जाके आपको एनजीपी के थ्रू प्रोडक्ट मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा एनजीपी के थ्रू प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन कार्बन रोटेशन करवाना पड़ रहा है। और अगर मैं ऐसे अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करूं, डायरेक्टली SN2 रिएक्शन की बात करूं, तो यहां पे किसी भी एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्या रहेगा जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो डायरेक्टली डॉटेड पे जाके अटैक करेगा, यानी कि बिलो द प्लेन से अटैक करेगा आयोडीन बाहर, तो ये आपका आ गया डॉटेड के ऊपर प्रोडक्ट। और इस कंडीशन में जो आपका CH3 है ना वो आपका इस CH3 से अपोजिट रहेगा, बट एनजीपी की कंडीशन में जो CH3 है यहाँ पे लाइक दिस कुछ नहीं लिखा मैंने CH3, दोनों सेम फेज में रहेंगे, ओके। तो ये भी आपको यहाँ पे हाईलाइट करना रहता है जो आपको यहाँ पे देखना पड़ता है। अब आपके पास कुछ कंडीशन है लाइक दिस वन इज एग्जांपल, यहाँ पे देखिए ये वन नंबर कार्बन ये टू नंबर कार्बन, अब वन एंड टू दोनों के ऊपर जो सब स्टेटमेंट है पीएच अप है, बीआरबी आपका कैसा है अप है, तो एनजीपी यहाँ पे अभी अप्लाई मत कीजिए, एनजीपी के लिए क्या लगेगा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड लगेगी, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का SN2 से प्रोडक्ट बता दीजिए, SN2 से प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो डॉटेड से अटैक करेगा, ठीक है डॉटेड से अटैक करेगा, तो बीआर आपका बाहर आपके पास डॉटेड के ऊपर प्रोडक्ट मिलेगा, तो ये डॉटेड के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आपका प्रोडक्ट मिला, ठीक है। इसी टाइप से हम देख लेते एक कंडीशन और है, हाँ इसके अंदर देखिए वन एंड टू नंबर पे इस क्वेश्चन में क्या है वन एंड टू, तो टू नंबर पे जो गुड लिविंग ग्रुप है वो डॉटेड पे, वन नंबर पे पीएच अप में है, इसमें आपको एनजीपी देखने को मिलेगी, पहले आप एनजीपी लगाओगे तो आपको थ्री मेंबर साइक्लिक रिंग बनेगी और फिर जो न्यूक्लियोफाइल है वो डॉटेड से अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की पोजिशन क्या आएगी डॉटेड के ऊपर, एनजीपी इसमें एप्लीकेबल है। अदर एग्जाम्पल क्या आपके पास, अदर एग्जाम्पल ले लीजिए दिस वन, यहां पे देखिए गुड लिविंग ग्रुप बीआर
एंड इसका एनजीपी के लिए जो आपका रहेगा ग्रुप वो है पीएच, दोनों अपोजिट फेस में, दिस वन इज इसको नाम दीजिए वन, इसको नाम देते टू, तो एनजीपी प्रोडक्ट रहेगा, न्यूक्लियोफाइड आपका वेज लाइन के ऊपर आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइड आपका वेज लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। तो ये आपका एनजीपी प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखने को ये मिलता है कि जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा डॉटेड के ऊपर पीएच, एनजीपी जो न्यूक्लियोफाइल है वो दो पोजिशन के ऊपर अटैक कर सकता है, या तो कार्बन नंबर एक पे या कार्बन नंबर दो पे। अगर न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन एक के ऊपर अटैक किया तो प्रोडक्ट आपको नीचे वाला मिलेगा, दिस वन, ठीक है। और अगर न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन टू के ऊपर अटैक किया तो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दिस वन, इसको नाम दो ए नंबर और इसको नाम दो आप बी नंबर, और दोनों ही आपको 50-50% मिलेंगे, ये भी आपको 50% और ये भी आपको 50% मिलेगा। तो एंड देन आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस वन इज नेक्स्ट एग्जांपल ओटीएस एंड ओबीजेड। ओबीजेड क्या रहता है बेटा? ओबीजेड रहता है ओ सी एच टू पी एच, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा? प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हमने सीखा एनजीपी, जो कि था डबल कार्बन कार्बन, जस्ट वन मिनट, हाँ, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन के अंदर एनजीपी के बारे में हमने स्टडी किया और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में देखा, और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमने इसमें हाईलाइट किया कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, और वन एंड टू पोजीशन के ऊपर जो सब स्टूडेंट होने चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए। अगर नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है तो वो ऑन द प्लेन हो सकते हैं, वरना लाइक जैसे मैंने पीएच के लिए बताया था, तो वन एंड टू नंबर पे इनके जो स्टीरियो केमिस्ट्री है अपोजिट होनी चाहिए। अगर दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम डायरेक्शन के अंदर है, लाइक इस टाइप से, लाइक सॉरी यस, अगर दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम फेस में वन एंड टू नंबर कार्बन पे, तो उस कंडीशन में आपको SN2 प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।